अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको शॉर्ट और फास्ट वीडियो होगी। उसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि बोफिंग BFT1 जो है उसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस तरह का रेडियो है ये। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये बॉक्स खोलते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हमें यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसके अंदर कुछ डिटेल्स हैं रेडियो के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इतनी कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं है जो ज़रूरी हो। इसको हम साइड पर रख देते हैं। उसके बाद हमें मिल जाती है एक हैंड फ्री जो कि इस वायरलेस के साथ मिलती है। इसकी वन पिन वाली जैक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी हैंड फ्री होती है साथ। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास चार्जर मिल जाता है हमें जो कि USB चार्जर है और इसके अंदर माइक्रो USB इस्तेमाल की जाती है। इस पर इधर रखते हैं हम साइड पर। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास केबल मिल जाती है हमें जो कि माइक्रो USB है। अगर आप फोकस करें इस पर, ये देखें जनाब, ये माइक्रो USB केबल हमें मिल जाती है इसके साथ। ये इसके साथ हमें एक स्लिंग मिल जाता है जो कि आप गले में लटकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियो को। और ये ईजी रहता है क्योंकि छोटा रेडियो है, इसको आप आराम से गले में भी लटका सकते हैं क्योंकि इसका इतना वेट नहीं है। उसके बाद हमें जनाब एक अदद बेल्ट क्लिप मिल जाता है जिसके अंदर एक लटकाने के लिए भी रखा हुआ है। इधर दो इसके स्क्रूज़ आ जाते हैं तो ये हमारा बेल्ट क्लिप हो गया। चलिए, उसके बाद हमें चार अदद स्क्रू मिलते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं चार स्क्रू हैं इसके अंदर। तो ये दो स्क्रू जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ के हैं, और दो इसमें बेल्ट क्लिप के लिए हैं क्योंकि इसके लिए लगते हैं। दो जो स्क्रू हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेडियो को हम निकाल लेते हैं जनाब। तो ये जनाब हमारा रेडियो है, वायरलेस रेडियो। और ये आप देख सकते हैं कि ये दो होल्स हैं इसके अंदर। ये स्क्रू जो दो एक्स्ट्रा स्क्रूज हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और दो इधर आते हैं जो कि बेल्ट क्लिप के स्क्रू हैं। इसको ज़रा मैं खोल के दिखा दूँ आपको। इसके अंदर ये बैटरी होती है जो कि बाहर पड़ी हुई थी लेकिन मैंने लगाई हुई है। तो ये बैटरी का पिन प्लग जो है वो यहाँ पे लगता है, तो इससे ये कनेक्ट हो जाती है इसकी बैटरी। इसको बंद कर देते हैं। इस तरफ आ जाते हैं। इस तरफ अगर आ जाएं तो हमारे पास सिर्फ ये एक जो कि पिन है वो उसके लिए है, माइक्रोफोन के लिए। यहाँ नीचे आ जाते हैं तो नीचे यहाँ पर ये जनाब हमारे पास आगे USB चार्जिंग के लिए पोर्ट है, USB-C पोर्ट। फ्रंट पे हमारे पास एक अच्छा सा डिस्प्ले है इसके अंदर, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ये मेन्यू का बटन है, ये टॉर्च का बटन है ऊपर नीचे करने का, FM का, और ये वॉल्यूम और मोनी का है। यहाँ पे हमें PDD बटन मिल जाता है और ये इमरजेंसी बटन है। ये प्रोग्रामेबल बटन भी है, ये आप इसके ऊपर प्रोग्राम भी सेट कर सकते हैं। ऊपर हमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, एक लाइट मिल जाती है, एक छोटा सा एंटीना मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसको मैं एक दफ़ा ऑन करके दिखा दूँ। ये देखें जनाब, ये इसका ऑन होने के बाद ये फ्रीक्वेंसी शो करता है, एक फ्रीक्वेंसी इसके अंदर चलती है। ये वैसे तो UHF है लेकिन इसके अंदर VHF फ्रीक्वेंसी भी प्रोग्राम हो जाती है, और UHF फ्रीक्वेंसी रिसीविंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सुनने के लिए। लेकिन ये प्रॉपरली UHF और PMR रेडियो है। तो ये जनाब थी एक छोटी सी वीडियो BFT1 बोफिंग की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।